कहानी का शीर्षक है बोलने वाली गुफा। किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। एक दिन भर घूमते रहने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा कि आज तो उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। वापस आते समय उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने भीतर जाकर देखा तो गुफा खाली थी। गुफा से बाहर निकलते समय उसे एक युक्ति सूझी। सूर्यास्त होने वाला था। उसने सोचा कि गुफा में रहने वाले जानवर बस आते ही होंगे। यदि वह यहीं छिप जाए तो बिना प्रयत्न के ही उसे भोजन मिल जाएगा। उस गुफा में एक लोमड़ी रहती थी। थोड़ी ही देर में वह वापस आई, पर वह अत्यंत चतुर थी। उसने गुफा में जाने से पहले चारों ओर सावधानी पूर्वक देखा, ध्यान से कान लगाकर आवाज सुनी और फिर सूंघना शुरू किया। ध्यान से देखने पर शाम के धुंधलके में उसे जमीन पर कुछ निशान दिखाई दिए। आश्चर्यचकित लोमड़ी ने सोचा, अरे ये तो शेर के पैरों के निशान हैं। यह निशान गुफा में जा तो रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसकी शंका सही है या नहीं ये जानने के लिए वह मुस्कुराती हुई, दुम हिलाती हुई गुफा के पास जाकर बोली, गुफा, अरे ओ मेरी प्यारी गुफा। कुछ पल रुककर लोमड़ी ने फिर कहा, मेरे आने पर सदा स्वागत है मित्र कहकर तुम मेरा अभिनंदन करती थी, आज तुम इतनी शांत क्यों हो? मूर्ख शेर ने सोचा कि शायद उसके होने से गुफा बोलने में संकोच कर रही है, क्यों ना वह उसका उत्तर दे दे। लोमड़ी ने जब फिर से गुफा को पुकारा तो शेर ने प्यार से धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा स्वागत है मित्र, कैसा रहा आज का दिन? शेर की धीमी पर गरजदार आवाज गुफा में गूंज उठी और उसे सुनकर आसपास के सभी जानवर सावधान हो गए। शेर ने सोचा कि अब लोमड़ी गुफा में आएगी, पर लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, हे शेर महाराज, क्या गुफा भी बोलती है? जो ही शेर ने गुफा से बाहर झाँका, उसे वहां से भागती हुई लोमड़ी दिखाई दी। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समझदारी से ही अपनी रक्षा की जा सकती है। माय लवली ऑडियंस, आई होप यू रियली एंजॉय रीडिंग अलॉन्ग विद मी। डू सब्सक्राइब माय चैनल रीड अलाउड किड्स फॉर मोर फन एंड इंटरेस्टिंग पंचतंत्र स्टोरीज। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमॉरो।